हाय फ्रेंड्स, आई एम इंदु मालपणी। वेलकम टू माय चैनल इंदुज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी के मालपुए। रबड़ी मालपुए बनाने के लिए हमने लिया आधा किलो दूध, एक कटोरी मैदा, शक्कर, केसर की पत्तियाँ, मीठा कलर, पीसी हुई इलायची। मालपुआ बनाने के 2-3 घंटे पहले हम घोल को तैयार कर देंगे। घोल में थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालते रहेंगे, एक साथ भी नहीं डालना है, कटी से थोड़ा गाढ़ा घोल करना है। बस हिलाते रहे उल्टे चम्मच से एकदम स्पीड से, तो गांठ भी नहीं पड़े। आधा किलो दूध में एक कटोरी मैदा चलेगा। घोल अब तैयार हो चुका है। घोल ऐसा होना चाहिए एकदम, जरूरत पड़ने पर मैदा थोड़ा डाल दीजिए, लेकिन घोल एकदम ऐसा ही होना चाहिए, मोटा भी नहीं ना पतला भी नहीं। अब इनको 3 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। गैस पर कढ़ाई रख के चाशनी के लिए शक्कर डालेंगे। इसमें शक्कर डूबे जितना पानी डाल देंगे और सबसे पूरी मेल्ट हो जाए तो हिलाते रहेंगे। चाशनी सी गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। अब इसमें चुटकी भर कलर डालेंगे। अब केसर की पत्तियाँ पानी दूध में भिगो के रखिए, उसमें उसको डाल देंगे। चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी पड़ रही है। सुगंध के लिए इलायची डाल देंगे 1 चम्मच। देख सकते हैं शक्कर का घोल पूरी तरह तैयार हो चुका है, गाढ़ी गाढ़ी पड़ चुकी चाशनी भी। अब इसमें हल्का सा दूध डाल देंगे तो चाशनी के अंदर थोड़ा सा जो कालापन होता है ऊपर आ जाएगा। अब चम्मच से एक साइड निकाल देंगे। चाशनी वाला गैस बंद कर देंगे। चाशनी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ तवी में घी डाल देंगे। घी तो डालना चाहिए वो माल को अंदर से डीप फ्राई अच्छे से हो सके, और गैस को तेज करके घी को गर्म कर देंगे पूरी तरह से। अब घी गर्म हो चुका है, गैस की आंच धीमी कर देंगे और चम्मच से घोलते हुए डाल देंगे। यदि आपको बड़ा पसंद हो तो बड़ा चम्मच भर के डालिए, ये छोटे पसंद हो छोटे छोटे डालिए। इसमें यदि आप चाहो तो मावा भी डाल सकते हो। अभी हल्के ब्राउनिश हो चुके हैं, इनको इधर से बदल देंगे। दोनों तरफ से हल्के हल्के ब्राउनिश करके फ्राई कर देंगे। अब इन तैयार मालपुओं को चाशनी के घोल के अंदर डाल देंगे। चाशनी में एकदम पूरी तरह से डुबोना है, अच्छी तरह से चाशनी फैल जाए पूरे अंदर।
सोयाबीन को चाशनी के अंदर से निकाल कर किसी जारी उल्टी जारी पे ऐसे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो जो चाशनी है उसे निकल जाएगी। इस तरह प्रकार सब मालपुए तैयार करने और इन तैयार मालपुओं को प्लेट में सर्व कर देंगे। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।